श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर के इस विशेष चुनाव बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ सहित देशभर में जारी है मतगणना। अब तक मिले रुझानों के अनुसार देश में एनडीए गठबंधन बहुमत के करीब, वहीं इंडिया गठबंधन 200 से अधिक सीटों पर आगे और छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, जबकि राजनांदगांव और कोरबा लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तहत इस समय छत्तीसगढ़ के साथ ही देशभर में वोटों की गिनती जारी है। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 33 जिला मुख्यालयों में मतगणना का काम चल रहा है। ताजा रुझानों के अनुसार एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन 200 से अधिक सीटों पर आगे चल रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें, बस्तर लोकसभा सीट में 2 राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी के महेश कश्यप कांग्रेस के कवासी लखमा से 4,600 से अधिक वोट से आगे हैं। बिलासपुर लोकसभा सीट से भाजपा के तुखन साहू कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव से करीब 2,400 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं सरगुजा सीट में भाजपा के चिंतामणि महाराज लगभग 13,000 मतों से कांग्रेस की शशि सिंह से बढ़त बनाए हुए हैं। राजनांदगांव सीट में कांग्रेस के भूपेश बघेल भाजपा के संतोष पांडे से करीब 4,800 मतों से आगे चल रहे हैं। रायपुर सीट में 2 राउंड की मतगणना के बाद भाजपा उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस के विकास उपाध्याय से 51,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं जांजगीर सीट में भाजपा की कमलेश जांगड़े कांग्रेस के डॉ शिव कुमार डहरिया से 10वें राउंड के बाद करीब 22,000 वोटों से आगे चल रही हैं। कोरबा में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत 6,300 से अधिक मतों से भाजपा उम्मीदवार सरोज पांडे से आगे चल रही हैं। रायगढ़ सीट में भाजपा के राधेश्याम राठिया कांग्रेस के डॉ मेनका देवी सिंह से करीब 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। महासमुंद सीट में भाजपा की रूप कुमारी चौधरी कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू से करीब 3,500 मतों से आगे हैं। वहीं कांकेर सीट में भाजपा के भोजराज नाग कांग्रेस उम्मीदवार बीरेश ठाकुर से 14,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। दुर्ग सीट में भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल करीब 42,000 वोटों से आगे हैं। श्रोताओं, अब हम आपको सीधे ले चलते हैं कांकेर, जहां से हमारे संवाददाता विजय पांडे मतगणना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी विजय, बताइए। मैं वर्तमान में भी कांकेर लोकसभा क्रमांक 11 के नाथिया नागांव पॉलिटेक्निक के बाहर खड़ा हूं और वर्तमान में लोकसभा का 1 राउंड कंप्लीट हो चुका है और अभी भारतीय जनता पार्टी के भोजनाग 14,187 मतों से आगे चल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी को वोट 98,897 मिले हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर को 84,710 वोट मिले हुए हैं और यहां पर माहौल गहमागहमी का बना हुआ है और अभी भाजपा प्रत्याशी के आगे आने से मतगणना केंद्र के बाहर भाजपाओं में उत्साह बना हुआ है। धन्यवाद विजय, आप मतगणना पर नजर बनाए रखिए, हम फिर आपसे बात करेंगे। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं रायगढ़ में हमारे संवाददाता हीरा मोटवानी के पास। हीरा, बताइए रायगढ़ में मतगणना की क्या स्थिति है? रायगढ़ में जो मतगणना है वो सुबह से ही प्रारंभ हो चुकी थी और अभी की ताजा स्थिति में दूसरे राउंड की गिनती के बाद में 39,444 वोट से भारतीय जनता पार्टी के राधेश्याम राठिया आगे चल रहे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की डॉक्टर मेनका देवी सिंह से। मतों की गणना बहुत ही स्मूथली चल रही है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहां पर निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर है जिसको पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति अंदर पहुंच पा रहा है। हम प्रेस के लोगों के लिए अलग से एक व्यवस्था की गई है, प्रेस के साथियों के लिए उन्होंने एक बनाया है जहां पर उन्होंने एक एलईडी स्क्रीन लगा रखी है और हमें वो लगातार अपडेट कर रहे हैं कि हर राउंड बाद में क्या मतगणना की स्थिति है। धन्यवाद हीरा, और अब चलते हैं बिलासपुर, जहां हमारे संवाददाता रवि शुक्ला इस समय मतगणना केंद्र में है। रवि, क्या है ताजा स्थिति? मैं बिलासपुर स्थित कोनी मतगणना स्थल पर मौजूद हूं। बिलासपुर लोकसभा क्रमांक 5 के लिए मतों की गिनती का काम आज सुबह शुरू हुआ। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई। पोस्टल बैलेट की गिनती में भाजपा जो है कांग्रेस में बढ़त बनाए हुए हैं। 8 विधानसभा वाले इस बिलासपुर लोकसभा में 2 विधानसभा क्षेत्रों की गिनती जो है मुंगेली जिले में हो रही है। मतगणना अभी तक जारी है और गिनती के मुताबिक बिलासपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के तोखन साहू कांग्रेस के देवेंद्र यादव पे लगभग 2,483 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ वोटों की गिनती के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। न्यूनतम 17 और अधिकतम 24 चरणों में वोटों की गिनती का कार्य पूरा होगा। भीषण गर्मी को देखते हुए
यहाँ मतगणना स्थल पर एसी कूलर ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है। वोटों की गिनती के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की भीड़ मतगणना स्थल के बाहर डटी हुई है। धन्यवाद रवि। और अब सीधे चलते हैं राजनांदगांव लोकसभा सीट। इस समय राजनांदगांव में हमारे संवाददाता मिथिलेश देवांगन मतगणना केंद्र में है। जी मिथिलेश, बताइए क्या है ताजा स्थिति। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में 5 दौर की गणना पूरी हो चुकी है और इस 5 राउंड की गणना में कांग्रेस के भूपेश बघेल 4825 मतों से आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर है भाजपा के संतोष पांडे। कांग्रेस को मोहला बांधपुर विधानसभा से एक तरफा बढ़त मिल रही है, जबकि भाजपा को राजनांदगांव विधानसभा से अच्छी बढ़त मिल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो प्रत्येक राउंड में भाजपा पीछे रही है और कांग्रेस के भूपेश बघेल को बढ़त मिल रही है। धन्यवाद मिथिलेश। अब चलते हैं रायपुर लोकसभा सीट, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार मतगणना के ताजा आंकड़ों की जानकारी दे रहे हैं। अभी तक जो आधिकारिक आंकड़े जारी हुए हैं, 2 राउंडों की गिनती पूरी हो गई है। उसके मुताबिक लगभग 40,000 मतों से बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं और विकास उपाध्याय 40,000 मतों से लगभग पीछे चल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा आते हैं, जिसमें 2 जगह मतगणना हो रही है। 7 विधानसभा की तेज बहार स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रही है और 2 विधानसभा बलौदा बाजार और भाटापारा की मंडी परिसर बलौदा बाजार में हो रही है। अभी ईवीएम की तीसरे राउंड की गिनती चल रही है, अभी आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बार जो लगभग 66.82% यहाँ रायपुर लोकसभा में मतदान हुआ था और यहाँ पे सबसे अधिक 23 राउंडों में रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की 23 राउंडों में गिनती पूरी होगी। उसके बाद पता चलेगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो इस रायपुर लोकसभा सीट पर 28 वर्षों से पिछले साल से कब्जा किए हुए हैं, इस बार वो कितने बड़े मार्जिन से जीतते हैं। 2019 के लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी ने 3,48,000 से अधिक मतों से जीतकर और उस समय के कांग्रेस के प्रत्याशी प्रद्योत दुबे को हराया था। धन्यवाद अभिषेक इस जानकारी के लिए। कोरबा से राजश्री गुप्ते मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद हैं। बताइए राजश्री, आपके पास मतगणना की क्या ताजा जानकारी है? कोरबा लोकसभा क्षेत्र में आज से लगातार 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। पहले और दूसरे राउंड में कांग्रेस जिस रफ्तार से बढ़त की और अग्रसर थी, वही तीसरे राउंड पूरे होते होते भाजपा की सरोज पांडे 4,167 वोटों से मात्र पीछे रह गई है। इस तरह लगातार कांग्रेस ने जो बढ़त बनाई थी उससे वो पीछे जाते जा रही है। अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है। धन्यवाद राशि। श्रोताओं, लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में जिन कुछ प्रमुख उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य पर सबकी नजर है, उनमें शामिल है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोरबा से पार्टी के उम्मीदवार सरोज पांडे, राज्य के शिक्षा मंत्री और 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा राज्य के पूर्व उद्योग मंत्री और बस्तर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा, राज्य के पूर्व गृह मंत्री और महासमुंद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू तथा राज्य के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री तथा जांजगीर चांपा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शिवकुमार डहरिया। इन उम्मीदवारों के चुनाव परिणामों को लेकर लोगों में खासी उत्सुकता है। इससे पहले आज सुबह 8 बजे वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की गई। डाक मतपत्रों की गणना 11 लोकसभा क्षेत्रों के संसदीय जिला मुख्यालयों में की गई, जबकि बाकी मतों की गणना राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों में की जा रही है। मतगणना शुरू होने से पहले स्ट्रांग रूम को निर्धारित समय पर प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के साथ ही उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि के सामने खोला गया। इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई। मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ सहित देशभर में जारी है मतगणना। अब तक मिले रुझानों के अनुसार देश में एनडीए गठबंधन बहुमत के करीब, वहीं इंडिया गठबंधन 200 से अधिक सीटों पर आगे और छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, जबकि राजनांदगांव और कोरबा लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। इसी के साथ ये विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।